वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं आपसे बात करूंगा, फायर एक्सपर्ट नहीं, अब आप फायर सेफ्टी ऑफिसर बने। जी हां, काफी दिनों से आपको काम का अनुभव है, आप फायर अलार्म का काम करते हैं, आप फायर इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन का काम करते हैं, फायर सेफ्टी के फील्ड में आप काम कर रहे हैं। काफी दिन हो गए, काफी दिनों से आप वर्क कर रहे हैं और अभी भी आप वहीं पर पड़े हुए हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अभी आपका कोई ग्रोथ नहीं हो रहा। तो ग्रोथ करने के लिए आपके पास एक बेहतर ऑप्शन होता है, पूरी दुनिया में काम करने का आपके पास एक मौका होता है कि अब आप डिसीजन लीजिए कि मैं अब फायर एक्सपर्ट ही नहीं बल्कि मैं फायर सेफ्टी ऑफिसर बनूंगा। इसके लिए हमें जो भी पढ़ाई करनी होगी, जो कुछ भी करना होगा वो हम करेंगे और देश विदेश में काम करने का आपको मौका मिलेगा, सैलरी भी बहुत आकर्षक मिलेगी और मेहनत भी कम पड़ेगा। अभी तक आपका फिजिकल मेहनत बहुत ज्यादा था, आप सुबह से शाम तक काम करके थक जाते हैं, लेकिन यदि आप फायर सेफ्टी ऑफिसर बनते हैं, आराम की जिंदगी होगी, आराम की नौकरी होगी और एक अच्छी सैलरी भी आपके पास आने लगेगी। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, करना क्या होगा आपको, चलिए इस सफर पे चलते हैं और एक एक चीज मैं आपको बताता हूं। इस बात से तो आप इत्तफाक रखते हैं कि आपको कार्य का अनुभव है, आप काफी दिनों से काम कर रहे हैं। अगर आपको काफी दिनों से फायर अलार्म का अनुभव है, इंस्टॉलेशन का अनुभव है, फायर में अन्य फील्ड में बहुत दिनों से आप काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप एज ए फायर सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं और वो भी मात्र एक वर्षों में। यदि आपने एक वर्ष अपने आप को दिया, अपने करियर को दिया, तो निश्चित रूप से आप फायर सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। और कार्य का अनुभव के साथ साथ आप हाई स्कूल तो पास होंगे ही, चलो हाई स्कूल पास के अलावा आप इंटर भी होंगे और नहीं तो ग्रेजुएशन होंगे, ये तीन में से कोई ना कोई एक होगा। यदि आप हाई स्कूल पास है तब भी आप फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं, यदि इंटर पास है तब भी आप फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं, बीए पास है तो क्या पूछना है, सोने पे सुहागा होगा, आप एक बेहतरीन फायर सेफ्टी ऑफिसर बनेंगे, एक अच्छी सैलरी होगी। ये तीन लेवल है, हाई स्कूल, इंटर और बीए का। अगर हाई स्कूल पर की पढ़ाई पूरा करने के बाद आप फायर के फील्ड में आप एंटर कर लिए, फायर का जॉब करने लगे या फायर अलार्म का काम करने लगे, फायर टेक्नीशियन का काम करने लगे, इंस्टॉलेशन का काम करने लगे, तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप ऑनलाइन मोड में या रेगुलर मोड में आप जाकर के कोर्स कंप्लीट करने के बाद से एज ए फायर सेफ्टी ऑफिसर का पोस्ट पा सकते हैं और एक अच्छी सैलरी पा सकते हैं। फायर सेफ्टी में आपको डिप्लोमा करना चाहिए, फायर सेफ्टी में डिप्लोमा जरूर करें क्योंकि यह आपको ग्रोथ कराएगा, ये आपकी सैलरी को बढ़ाएगा और हर जगह प्लेटफॉर्म अवेलेबल करेगा, देश दुनिया में आप काम कर पाएंगे एक अच्छी सैलरी के साथ। अगर आपने फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा करने का मन बना लिया है तो निश्चित रूप से इसमें वक्त जो लगने वाला है वो 12 महीने का समय लगेगा और 12 महीने तो यूं ही गुजर जाएंगे, आप काम करते हुए आप अपना वर्क भी करते रहेंगे, अपना जॉब भी करते रहेंगे और कोर्स भी करते रहेंगे, वो भी रेगुलर मोड में। दो मोड में आपके कोर्स अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो यहां मैं बात कर रहा हूं, अगर जॉब कर रहे हैं तो ऑफलाइन करना तो आपके लिए संभव नहीं है, लेकिन ऑनलाइन आप कर सकते हैं। SST इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन की क्लासेज जो है 24 आवर्स रन करती रहती है, 24 आवर्स चलती रहती है, आपको जब भी अपने जॉब से फुर्सत मिले उस समय आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। यदि प्रतिदिन 2 से 3 घंटे का समय आपने अपने करियर के ऊपर दिया तो निश्चित रूप से आप बहुत ही बेहतर कर जाएंगे। 4 एग्जाम पास करना होता है, 4 सेमेस्टर पास करना होता है, इस एग्जाम को पास करने के बाद पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाकर के काम कर सकते हैं बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी दिक्कत के। अब मैं बात कर लेता हूं सैलरी की। तो सैलरी की बात मैं करूं, जो अभी SST इंस्टीट्यूट से पास आउट कैंडिडेट है और जो गल्फ देशों में काम कर रहे हैं, जैसे कुवैत में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, तो जो सबसे हाईएस्ट सैलरी उनको उनको मिल रही है वो लगभग 1,50,000 के करीब मिल रही है। यानी 75,000 से लेकर के 1,50,000 तक की सैलरी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं तीन कैटेगरीज की बात करूं कि तीनों कैटेगरीज में हाई स्कूल, इंटर और बीए में क्या सैलरी का रेशियो आता है, तो लगभग जो SSTN पा रहे हैं, जो SST इंस्टीट्यूट से पास आउट कैंडिडेट है, वो उनको जो सैलरी मिल रही है उस आधार पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप हाई स्कूल बेस पे कोर्स करते हैं तो 35,000 से लेकर 55,000 रुपए तक की आपकी सैलरी मिलेगी, अगर इंटर बेस पे आप करते हैं तो 60,000 से लेकर 75,000 तक की सैलरी मिल सकती है, और यदि ग्रेजुएशन के बाद आपने कंप्लीट किया, कोर्स कंप्लीट किया, तो 75,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। ये कंपनी टू कंपनी वैरी कर सकता है, यह सैलरी और अधिक भी हो सकती है और कम हो सकती है।
हमने एक एवरेज सैलरी आपको यहाँ पे बताया है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझने में काफी मदद करेंगी। अब बात कर लेते हैं कोर्स की फीस कितनी होगी, ये तो बात होगी। अब कोर्स की फीस कितनी होती है, अगर हम SST इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहाँ पे एक राउंड फिगर में मैं आपको फीस बता देता हूं। जो अगर आप हाई स्कूल पर करते हैं तो 45 से लेकर 55,000 तक का खर्च आता है पूरे साल में, और यदि इंटरमीडिएट पे करते हैं तो 66,000 से लेकर 77,000 रुपए तक का खर्च आता है पूरे साल में, और अगर ग्रेजुएशन के बाद आपने कोर्स कंप्लीट किया तो 80,000 से लेकर 85,000 रुपए तक के खर्च आ जाते हैं, जिसमें आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है पास आउट होने तक। ये मैंने जो आपको खर्च बताए, एक्सपेंसेस बताए, ये अकॉर्डिंग टू आपकी लाइफ स्टाइल, आपका रहन सहन, सब चीज इन्वॉल्व इसमें होता है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। यदि आप भी दुबई में, बहरीन में, कुवैत में, रियाद में, अबू धाबी में काम कर रहे हैं, या इंडिया में किसी अन्य शहरों में काम कर रहे हैं और फायर अलार्म का काम करते हैं, फायर टेक्नीशियन का काम करते हैं, इंस्टॉलेशन का काम करते हैं, फायर इक्विपमेंट एक्सपर्ट है, तो निश्चित रूप से अब वक्त आ गया है, एडमिशन ओपन हो चुका है, आपको फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा सुनहरा फ्यूचर, एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है एक अच्छी सैलरी के साथ। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।